कि आप उनके जैसे ना हो जाओ। आपको पता है कि घरों में प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि जब आपका पति शराब पीकर के आता है तो प्रॉब्लम होती है। संसार की औरतें क्या करती हैं, जब वो पीकर के आते हैं तो झगड़ा करती ही नहीं है ना, सब करती है। लेकिन आपको क्या करना है उस समय, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हम जानते हैं खुदावंत का वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके ये विनती करता हूँ। परमेश्वर का दास है जो इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ कि खुदावंद ने तुम्हें बचाया है, खुदावंद ने तुम पर बड़ी दया करी है। वो हमें स्मरण करा रहा है, वो हमें बता रहा है परमेश्वर का दास कि परमेश्वर ने तुम पर दया करी है। सोचने वाली बात है कि संसार में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खुदावन ने उनमें से हमको और आपको चुना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर का दास है, वो इस बात की हमें स्मरण दिला रहा है, याद करा रहा है हमें, और वो हमें इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें याद कराता हूँ। हे भाइयों, हे बहनों, इस बात को समझो कि प्रभु ने तुम्हें कहां से निकाला था, प्रभु तुमको कहां से उठाया था। हम इस लायक नहीं थे, है ना, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें इस लायक बनाया है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के लिए किसी एक व्यक्ति को जीतने के लिए आपके दिल में आपके मन में ये वाली बात है कि मैं किसी एक को जीतूं। कई बार हमारे परिवार में, हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमारे परिवार में कई बार ऐसे लोग होते हैं, मैं चाहता हूं कि ये वाला व्यक्ति जो है वो सही रास्ते पर आ जाए। मैं चाहता हूं या हम सब चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से घर में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दो लोग, एक वाइफ अपने पति के लिए हमेशा चाहती है कि ये भी प्रभु की राहों में आ जाए, है ना। कई बार होता है घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है, जब शाम को पति घर पे आता है तो शराब पी करके आता है ना। और एक मसीही लेडी जो प्रभु में है वो इस बात से निराश होती है, हताश होती है, होती कि नहीं, है ना, परेशान हो जाती है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं चुना है आपको, उसने किसी ना किसी मकसद से हमें चुना है। उसने कुछ तो सोचा होगा हमारे विषय में, सोचा होगा कि नहीं। जब भी हम जानते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें कोई ऐसा पेड़ नजर आता है जो हमें लगता है कि ये अच्छा फल लाने वाला है ना, हम क्या करते हैं, कई बार उस पेड़ को वहां से लेकर के अपने वहां लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक समय पर अच्छा फल लेकर के आएगा, है ना, उसको वहां से निकाल करके लगा देते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ वहीं पर लगा रहता तो शायद वो फलवंत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उस पेड़ को बढ़ने नहीं देते, बढ़ने देते नहीं, बढ़ने देते। लेकिन आपने उसको क्या किया, वहां से निकाल करके आप लेकर के आए और आप उसकी अब सुरक्षा करते हैं। अगर बारिश नहीं होती है, उसको पानी की जरूरत है तो आप पानी भी देते हैं, अगर उसको खाद की जरूरत होती है तो आप खाद भी देते हैं, अगर उसको चारों तरफ से सुरक्षा की जरूरत होती है तो आप देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि आप उस पेड़ को लेकर के आए ताकि ये हमें फल दे, है ना। वैसे ही परमेश्वर ने इस संसार में से बहुतों को नहीं चुन लिया है, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो बचाए गए हो, लेकिन हमें और आपको बचाया है। याद करना इस बात को, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या वही एक पेड़ था जिसको हम लेकर के आए थे, नहीं भाई,
ऐसा कुछ नहीं है कि वही एक पेड़ था, हो सकता और भी हो, लेकिन वो कहीं दूर हो, आपकी दृष्टि में वही आया है ना, तभी आप उसको लेकर के आए। खुदा की दृष्टि में आप अनमोल हैं। खुदा ने आपको देखा और आपको उस कीचड़ से, उस जंगल से निकाल करके हमें लेकर के आया और हमारी सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से उस पेड़ की करते हैं और ये चाहते हैं कि वो सूखे नहीं, क्या चाहते हैं किसी प्रकार से? हम किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहते कि वो पेड़ सूख जाए। आप लेकर के आते हैं और लगा देते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि अब सूख जाए? ऐसा करते हैं कोई? ऐसा कोई नहीं करता ना। लेकर के आते हैं, उसको लगाते हैं और फिर उसके बाद उसकी देखभाल भी करते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये हमें फल देगा। वैसे ही खुदावंद ने हमको और आपको चुना है, उसने हमें उस जंगल में से, उस कीचड़ में से निकाला है जहां पर हम बढ़ नहीं सकते थे, जहां पर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन खुदा ने हमें उस कीचड़ में से निकाल करके अब चट्टान पर खड़ा कर दिया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि हमें कुवत थी, हमें ताकत थी? नहीं, ये खुदा की दया थी, ये खुदा का हम पर अनुग्रह था कि उस खुदा ने हमें बचाया और उस कीचड़ से हमें निकाल करके खड़ा किया है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप अच्छे से समझें, खुदा का दास किस लिए उनको स्मरण दिला रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग होंगे जो अपने शरीर के द्वारा खुदा को महिमा नहीं दे रहे होंगे, है ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर के दास को इस बात को कहने की आवश्यकता पड़ी कि अपने शरीरों को जीवित जीवित हालत में, मुर्दा के समान नहीं, जीवित हालत में, वो कहता है कि जीवित हालत में और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और वचन कहता है कि यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो, लिखा है, और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम खुदा की इच्छा को कब मालूम कर सकते हैं? क्या यूं ही? हम सब चाहते हैं कि खुदा हमें कुछ बता दे, हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमें बता दे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हो कि क्या खुदा के अनुसार आप इस काम को कर रहे हो? परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग किया है कि नहीं? लेकिन आप फिर से अगर उसी संसार में जाते हो तो क्या आप जानते हो कि आप उस कार्य को कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था? परमेश्वर ने इसीलिए तो आपको अलग किया था ताकि आप जो है अलग दिखो, है कि नहीं? जो और पेड़ होते हैं, जंगल का पेड़ होता है, वो जैसे मर्जी होता वैसे बढ़ता है ना, लेकिन जब आप लाते हो उसको तो आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाते हो कि नहीं? उसको अच्छे से छटाई करते हो, कटाई करते हो और उसको ऊंचा लेकर के जाते हो, है कि नहीं? तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपनी मर्जी से अब ना चलो, है ना? खुदा चाहता है कि आप खुदा की मर्जी को अब पूरा करो, इसलिए वो चाहता है कि हे भाइयों, अब तुम क्या करो, इस संसार के सदृश से ना बनो, और लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, अब तुम पुराने नहीं हो। खुदा ने आपको क्या कर दिया है? नया कर दिया है। खुदा ने आपको नया कर दिया है। अगर हम उर्दू की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से लिखा है, उर्दू की किताब रोमियो की किताब 12 उसकी 2 है, रोमियो उसकी 12 उसकी 2 में, और इस जहान के अब सकल ना बनो,
खुदा का वचन कहता है कि इस जहां के हम सकल ना बनो बल्कि तुम्हारी अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तरजीब से मालूम करते रहो। खुदा का वचन कहता है कि जहां के इस संसार के हम सकल ना बनो। हम सकल का मतलब क्या होता है कि आप उनके जैसे ना हो जाओ। आपको पता है कि घरों में प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि जब आपका पति शराब पीकर के आता है तो प्रॉब्लम होती है। संसार की औरतें क्या करती हैं, जब पीकर के आते हैं तो झगड़ा करती है, करते ही नहीं है ना, सब करती है। लेकिन आपको क्या करना है उस समय, मैं कहता हूँ उस समय आपको झगड़ा नहीं करना है। अगर आप प्रभु में हैं तो आप अगर प्यार से पेश आएंगे तो मैं चाहता हूँ एक दिन आप जीत सकते हो। जीत सकते हो कि नहीं, और जीतोगे कैसे? वो ऐसे होगा कि जब आपका पति आपको देखेगा तो वो ये सोचेगा, वो इस बात को जानेगा कि हाँ, ये जब प्रभु में नहीं थी तब मैं जब आता था ये मुझसे झगड़ा करती थी और मेरे साथ ये होता था, लेकिन आज जब ये प्रभु में है तो बहुत ही ज्यादा दीनता से, बहुत ही ज्यादा नम्रता से पेश आती है ना। कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, आपको अलग पेश आना है, वैसे नहीं संसार की तरह, क्योंकि संसार में सब औरतें तो ऐसे ही करती हैं, करती कि नहीं, लेकिन आपको उनके सदृश नहीं बनना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जानते हैं कि खुदा कहता है कि आपको संसार की अब हम शक्ल नहीं बनना है, क्योंकि तुम अलग हो, तुम हटके हो। अगर आपको पता है कि किसी के मार देने पर या फिर कोई गलती कर देता है, जैसे कि हम जानते हैं आप कहीं से जा रहे हैं और आपको कोई यूं ही गाली दे, होता है कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, यूं ही, मतलब आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है, और आपको गुस्सा जब आता है तब आप पता है एक बात को कहते हैं, अगर मैं पुराना होता ना, आज जब मैं प्रभु में हूँ इसीलिए आज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं वैसे होता तो आज भी बता देता मुझे, है ना। कई बार ऐसा आता है हमारे सामने, कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस समय दीनता और नम्रता से पेश आएंगे, अगर उस बंदे ने गलती करी है आप उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं, आप बहुत ही नम्रता से पेश आते हैं, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। वो कहेगा अगर बाकी लोगों से हमसे गलती हुई होती तो बाकी हमें छोड़ता नहीं। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई गलती से बाइक से हो या फिर साइकिल से हो कोई आपको ठोकर मार दे गलती से, ठीक है, तो गलती से जब कोई करता है तो क्या करता है, बाइक वाला या फिर साइकिल वाला उतर करके आएगा तो फिर जो बड़ी गाड़ी वाला है उसको अच्छे से समझा देगा, या फिर हो सकता है कई बार मारने भी लग जाते हैं, है ना। लेकिन आप अगर उसको दीनता से नम्रता से पेश आते हो तो कुछ सुप्रभाव पड़ेगा, और कुछ उसे लगेगा कि नहीं ये अलग है कि नहीं। आप जहां भी रहते हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप वहां पर जहां कहीं भी हो आपको अलग दिखना है, आपको अलग दिखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार के हमशक्ल ना बनो। हमें वैसे नहीं करना है जैसा संसार भी करता है, अगर हम भी वैसे ही करते हैं तो फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है ना। तो इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि संसार के हमशक्ल ना बनो वरन तुम्हारी अक्ल के नए हो जाने से क्या करो, अक्ल के तुम्हारे नए हो जाने से लिखा है तुम्हारी सूरत भी बदलती जाए, सूरत बदलती जाए। उर्दू की किताब में लिखा है कि सूरत जो है तुम्हारी वो धीरे धीरे करके अब बदलती जाए, तुम्हारी अक्ल जो है वो नई हो गई है। अच्छा नई कैसे हो गई है, नई इस प्रकार से हो गई है, क्या वचन में लिखा है कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो क्या करो, दूसरा फेर दो, लेकिन पहले हमारी पुरानी क्या थी, एक थप्पड़ मारे तो दो चार लगा दो, है कि नहीं, यही तो है।
लेकिन अब क्या है, नई हो गई। किस प्रकार से वचन में लिखा है कि अगर कोई तुमको दो मील यूं ही लेकर के जाए, है ना, तो उसके भी तुम चार मील तक चले जाओ, है ना। खुदा ने दोगुना कर दिया, ठीक है, अच्छा एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी खा लेना। तो बुद्धि नहीं हुई कि नहीं, अकल नहीं हुई कि नहीं हुई ना, बुराई के बदले बुराई ना करना। लेकिन हम पुराने होते तो क्या है, बुराई के बदले अच्छे से बुराई करना। तूने एक करी, मैं चार करूंगा, है ना। तूने मुझे एक के सामने बेइज्जत किया था, मैं तुझे सौ के सामने करूंगा। टाइम मिलने दे, है ना, मौका ढूंढते थे। लेकिन अब हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि क्या हो गई है, नई हो गई है। हुई कि नहीं हुई है, हाँ हुई कि नहीं। एक वचन में आपको लेकर के चलूंगा, हमारे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों पांच अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों पांच अध्याय उसकी 17 से। हाँ, जिसको मिल जाता है वो पढ़ेगा। वचन में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, और वे देखो सब क्या हो गई है, नई हो गई है। आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई मसीह में है तो क्या है, क्या है वो, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, थोड़ा तेज बोलेंगे पीछे से, क्या है, अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है वो, एक नई सृष्टि। सृष्टि का मतलब क्या होता है, अच्छा रचना और सृष्टि में अंतर होता है, आपको पता है, अगर नहीं तो मैं बताना चाहूंगा बहुत कम टाइम में। रचना का मतलब अलग होता है और सृष्टि का अलग होता है, मैंने कई बार बताया भी है लेकिन यहां पर नहीं। सृष्टि वो होती है जो खुदा करता है, ठीक है, जो सृष्टि होती है वो खुदा करता है, और कैसे करता है, जहां पर कुछ नहीं होता, जहां पर कुछ भी नहीं होता, जहां पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन खुदा वहां पर कुछ कर देता है, नया बना देता है कुछ, जहां से कुछ लिया नहीं जाता, कोई वस्तु नहीं ली जाती, कुछ भी लिया नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल नया है, उसको कहते हैं सृष्टि। और वो कौन कर सकता है, खुदा के सिवा कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, खुदा के सिवा कोई कर सकता है, कर सकता है कोई, नहीं कर सकता। और रचना क्या होती है, रचना एक मनुष्य का काम होता है बनाना, वो सृष्टि में से कुछ चीजों को लेकर के, सृष्टि में से कुछ चीजों को लेकर के जो एक नई चीज बनाता है उसको कहते हैं रचना। जो कुछ कुछ चीजें सृष्टि में से कुछ कुछ चीजों को लेता है और फिर उसको क्रिएट करता है, बनाता है, तो फिर वो रचना कहलाती है। और सृष्टि वो होती है जो खुदा बनाता है, जो और कोई नहीं बना सकता। हम क्या है, हम क्या है, मसीह में नई सृष्टि है। किसने बनाया है, खुदा ने बनाया, और कोई बना नहीं सकता। तो खुदा ने जब हमें एक नई सृष्टि बनाया है तो अब हमें बदलते जाना है। अब ऐसा नहीं करना है कि पुराने भी कपड़े पहने रहे और उसके ऊपर भी नया भी पहन रहे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको लेके चलूंगा, एक उदाहरण दूंगा, एक व्यक्ति है फिलिपुस और खोजा के विषय में कितने लोगों ने सुना है, फिलिपुस और खोजा, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 अध्याय, हम इसकी 26 आयत से अगर हम देखेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हम पढ़ देंगे इसको, यहां पर लिखा है, फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है,
वह उठकर चल दिया और देखो कूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूसियों की रानी कदांचे का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? यहाँ पर खोजा है जो अपने रथ पर जा रहा है और जब वो यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा है तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा फिलिप्पुस से कहा कि जा और उसको जा करके बता। और जब वो जा रहा होता है तो वहां पर उसको रास्ते में फिलिप्पुस मिलता है, उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा है? वो कहता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, है ना? उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि वो कहता है, और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊंट कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कहां से लेकर के? वचन कहता है कि उसने आरंभ से लेकर के उसको किसका? खुदावन का वचन सुनाया। अब उसको एक ही बात मालूम हो गई। अब वो भी अपने आप में समझने लगा इस बात को कि हम भी नई सृष्टि हैं, है ना? अब उसे मालूम चल गया। अच्छा पता है आपको, जब उसे मालूम चल गया कि खुदा जो है वो ये चाहता है, उसे मालूम चल गया ये पुराना मनुष्य तो बहुत बेकार है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा अपने आप में। इसीलिए वो पता है रथ पर जैसे ही उसने इस वचन को सुना, जैसे ही फिलिप्पुस के द्वारा उसने आरंभ से यीशु मसीह के विषय में पूरा सुसमाचार सुना, वैसे ही उसके मन में एक खलबली मच गई एक प्रकार से और वो सोचने लगा। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? वो अपने आप को ये चाह रहा है कि मैं कितनी जल्दी पुराने मनुष्य को उतारूं, ये मुझे जो मेरे ये कपड़े हैं पुराने मनुष्य का है ये मुझे बहुत बेकार सा लग रहा है ना? अपने आप को से कितना बेकार सा महसूस हो रहा होगा जब उसने अपने आप को देखा होगा, यार मैं तो कितना गंदा हूं, कितनी बुरी तरीके से। इसीलिए वो ये चाह रहा है कि मैं आज ही अभी फिलिप्पुस अब देर मत कर। उसको रहा नहीं जा रहा है, खोजा को रहा नहीं जा रहा है। उसने प्रभु के वचन को सुना और सुनते ही उसने यही सोचा कि मैं कैसे भी करके इस पुराने मनुष्य को उतारूं। और तुरंत मैं चाहता हूं कि फिलिप्पुस यहां पर कुछ अब हमें जा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर जल भरा हुआ है, यहीं पर हम उतरते हैं और यहीं पर मुझे बपतिस्मा दे दीजिए ताकि मैं भी एक नई सृष्टि प्राप्त कर लूं। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए जरा, उस खोजा को जब रहा नहीं जा रहा है नई सृष्टि पाने के लिए और खुदा ने मुझे और आपको नई सृष्टि जब बना दिया है, फिर भी हम अपने आप को दिन प्रतिदिन गंदा करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उस खुदा से दूर होते जा रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर का दास हमें ये स्मरण दिला करके इस बात को कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ कि अब तुम पुराने नहीं हो, अब तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, अब तुम उसी प्रकार से नहीं हो
कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम भी बुराई करो, अब तुम वैसे नहीं हो, अब तुम वैसे नहीं हो कि जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुम भी उसको चार गाली दो, तुम वैसे नहीं हो। याद करना है हमें खुदा के वचनों को, याद करना है और समझना है हम, क्योंकि संसार में आपको पता है, संसार में कोई भी व्यक्ति होता है वो आपको देखता है ना कि आपके वचनों को सुनता है। समझ रहे कि नहीं? आपका पति, आपका बेटा, आपका घर में कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, वो आपको देखेगा ना कि आपके वचन को सुनेगा। आप उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देंगे और फिर उससे झगड़ा करेंगे, हाँ तो फिर वो क्या कहेगा? आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, वो बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, अच्छा ये तो मसीह में जाते हैं फिर भी देखो आज ये ऐसे कर रहे हैं, अन्य विश्वासी ये कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? घर में वो वाला शख्स, वो शख्स जो विश्वासी नहीं है, वो कहता है जाते तो है प्रभु में और कर ये रहे। क्यों वो कहने पा रहा है? क्योंकि आप उसको ये मौका दे रहे हो, इसलिए वो कहने पा रहा है, नहीं तो वो कहने नहीं पाता है ना। अगर आप दीनता और नम्रता से चल रहे होते, अगर आप गाली के बदले गाली ना दे रहे होते, अगर आप भी वो काम कर रहे होते, खुदा का स्वभाव अपने अंदर दिखा रहे होते, तो मैं जानता हूं वो वाला शख्स इस बात को कहने नहीं पाता। अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक मनुष्य की आत्मा को आप जीत सको, किसी को भी, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों के दिल में इस बात की वो रहती है कि हम किसी को जीतूं। हो सकता कोई चाहता हो कि मैं अपने बेटे को जीतूं, है ना, कोई चाहता हो मैं अपनी बेटी को जीतूं प्रभु में। जीतने वाली और कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी आत्मा की बात कर रहा हूं। और कई लोग चाहते हैं कि मैं अपने पति को, कई लोग चाहते हैं मैं अपनी पत्नी को प्रभु के लिए, प्रभु के लिए उसकी आत्मा को जीत सकूं। तो मैं बताना चाहता हूं जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव में बदलना होगा, तब आप इस काम को कर पाएंगे। अगर आप अपने स्वभाव में ही रहेंगे तो फिर कुछ भी होना असंभव है। लेकिन आप अगर अपने स्वभाव को खुदा के स्वभाव में बदल दिए, खुदा का स्वभाव मतलब क्या है, खुदा के उस उन जो वचन में लिखा हुआ है ना, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये खुदा का स्वभाव है। खुदा प्रेम करता है कि नहीं, है ना, उसके अंदर शांति भी है, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। तो हम समझ सकते हैं ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये परमेश्वर का स्वभाव हमें और आप में नजर आना चाहिए। अगर ये नजर आएगा तो आप, ऐसा हो नहीं सकता आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि कोई बदल जाए, आप ना बदल पाओ। बदल सकते हो लेकिन होगा ये तभी जब आप अपने आप को बदलोगे खुदा के स्वभाव में। अगर आप चाहोगे ये बदल जाए आप दूसरे की बुराइयों को ही देखते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वचन में लिखा हुआ है एक जगह पर, मैं आपको बता कर खत्म करूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 13 उसकी 5, कोई जिन पढ़ देगा, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5 आयत, वचन में लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकलोगे। वचन कहता है कि अपने आप को परखो, किसको परखना है, किसको, अपने आप को परखना है, हाँ, दूसरे को बुराई को नहीं देखे रहना है, ये बुरा है, इसके वजह से सारे झगड़े होते हैं, ये सारी गलती करता है। वचन कहता है कि अपने आप को
परखो। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, पता है, उसने भाई से, एक भाई ने बताया होगा भाई के विषय में ये गलती करता है, तो प्रभु ने कहा पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर तू अपने भाई की आंख का तिनका देख नहीं पाएगा। पहले अपनी आंख से लाठी तो निकाल ले, वो है वो यही बताना चाह रहा है ना, तिनका बहुत छोटा होता है, लाठी बहुत ज्यादा बड़ी। कहता है पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, फिर तू अपने भाई के आंख का तिनका देखने पाएगा। इसलिए याद रखो, वचन कहता है अपने आप को परखो, जांचो, कहीं ऐसा ना हो कि आप जांच में निकम्मे ठहरो। प्रतिदिन हमें इस बात को जांचने की जरूरत है कि हम खुदा में हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं खुदा से दूर हो रहे हैं, कहीं आज हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसके वजह से हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आज हमने खुदा के विरोध में कोई काम कर दिया जिससे हम खुदा से दूर हो रहे हैं। आपको प्रतिदिन अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम जांचेंगे नहीं तब तक हम खुदा के स्वभाव में अपने आप को बदल भी नहीं सकते। अपने आप को जांचोगे आपको पता चलेगा अच्छा हमने यहाँ पर गलती करी थी, तो आप उसको जब सुधारोगे तो धीरे धीरे करके, वचन कहता है अंश अंश करके तुम बदलते जाओ, तो हमें अंश अंश करके धीरे धीरे खुदा में ढलते जाना है, खुदा के स्वभाव में बदलते जाना है। क्योंकि जब हम धीरे धीरे खुदा के स्वभाव में बदल जाएंगे तो हम भी बहुतों को खुदा के स्वभाव में बदलने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से आशीष दे।